Assalamu alaikum. This video is about nephrotic syndrome. We will discuss in this video about nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome is a clinical complex characterized by a number of renal and extrarenal features. Nephrotic syndrome basically एक ऐसा syndrome है जिसे हम कैसे characterize करेंगे. कुछ features हमारे पास होंगे जो कि renal and extrarenal होंगे. हमें उन features को identify करते हुए हमें पता चलेगा कि ये nephrotic syndrome है. मोस्ट प्रोमिनेंट जो हमारे पास फीचर्स आते हैं वो है प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिया यूरिन में हमारे पास प्रोटीन आता है. उसके अलावा हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हमारे पास जो ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा. एडिमा मतलब स्वेलिंग हो जाएगी. इस केस में हमारे पास जो एडिमा होता है वो पिटिंग एडिमा होता है. उसके अलावा हाइपर टेंशन है, लिपिड यूरिया है एंड हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, यानी कोएगुलेशन हमारे पास ज़्यादा होगी. क्लासिफिकेशन में हमारे पास ये आ जाता है कि ये प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है. प्राइमरी जो है वो इस केस में होगा कि यानी जो डिजीज़ है वो स्पेसिफिक है टू किडनी, लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा कि सिस्टेमिक इलनेस की वजह से हमारे पास डिजीज़ होगी. इसमें स्पेसिफिकली हमारे पास किडनी में प्रॉब्लम है इसलिए ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है, लेकिन सेकेंडरी में हमारे पास जनरल इलनेस है. कॉजेस को अगर हम डिस्कस करें तो प्राइमरी में हमारे पास कॉजेज आते हैं मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, फोकल ग्लोमेरुलोसिक्लेरोसिस एंड मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. ये हमारे पास कॉजेज हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. आगे है सेकेंडरी. सेकेंडरी में हमारे पास जो कॉजेज हैं वो है डायबिटीज़, ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी एंड एमाइलोडोसिस. एमाइलोडोसिस क्या होता है अगर मैं आपको इस टर्म के बारे में बताऊँ तो इस केस में हमारे पास कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स हमारी बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू हो जाती हैं जिसका नाम है एमाइलॉइड प्रोटीन. अगर ये प्रोटीन एकोमुलेट हो जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स पे, डिफरेंट टिश्यूज पे, तो उस कंडीशन को हम एमाइलोडोसिस कहते हैं. नेक्स्ट अगर हमारे पास आ जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हमारे पास 15 टाइम्स जो इसका रिस्क है वो ज़्यादा कॉमन है चिल्ड्रंस में. चिल्ड्रंस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बेसिक वजह होती है मिनिमल चेंज डिजीज, एंड मोस्ट कॉमन केसेस जो एडल्ट्स में होते हैं वो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होते हैं. अब देखें आपको इस वीडियो से समझ आ जाना चाहिए कि 15 टाइम्स हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बच्चों में ही होगा, और बच्चों में वजह मेन क्या हो सकती है, मिनिमल चेंज डिजीज़. कॉजेज मैंने पहले पीछे डिस्कस की हैं, और एडल्ट्स में है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम इस फ्लो शीट की मदद से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. इसमें आ जाता है सबसे पहले हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, जब एल्ब्यूमिन हमारे पास लॉस्ट हो गई है यूरिन में, ब्लड में लेवल कम हो गया है, तो क्या होगा, जो हमारे पास इंट्रावास्कुलर ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा. ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू द प्रोटीन्स, उसको हम ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं. नॉर्मली हमारी जो वेसल है उसके अंदर जो प्रोटीन की वजह से प्रेशर होता है, ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो फ्लूइड में बैलेंस मेंटेन रखता है. जो फ्लूइड वेसल के अंदर जा रहा है उसका, और जो फ्लूइड वेसल से बाहर आ रहा है उसका बैलेंस इस वजह से मेंटेन रहता है. लेकिन अगर हमारे पास प्रोटीन ही कम हो गया तो बैलेंस ख़राब हो जाएगा और सारा फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा. जब इंटरस्टिशियल स्पेस में अकोमुलेट होगा तो क्या होगा, रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम. प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया, प्लाज्मा वॉल्यूम अगर कम हो गया तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी. हमारे पास जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया तो बीपी भी कम हो जाएगा ना, बीपी कम हो जाएगा, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और रीनल फंक्शन भी कुछ हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएंगे. जब एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ होगी तो सॉल्ट एंड वाटर, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन. जब सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी बीपी फाइनली हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो फाइनली हाई हो जाएगा, यानी जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं. और ज़्यादा बॉडी में वाटर है और ज़्यादा सॉल्ट है तो फाइनल केस क्या, हम कहाँ पे पहुँचेंगे, एडिमा हो जाएगा. अगर हम दूसरी सिचुएशन को डिस्कस करें तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन. जब हमारी सारी प्रोटीन जो है वो लॉस्ट हो गई थी यूरिन में, एल्ब्यूमिनीमिया हो गया था, तो हमारी बॉडी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सिचुएशन को ज़्यादा एल्ब्यूमिन की प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर देती है. जब ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर देती है साथ ही हमारे पास लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस भी ज़्यादा हो जाती है, यानी हमारे पास सीरम में ट्राइग्लिसराइड का लेवल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और फाइनली हमारे यूरिन में लिपिड भी हमें शो होना शुरू हो जाता है. अगर हम लैब में एग्जामिनेशन कराएंगे तो हमें लिपिड यूरिया, हमें पता चलेगा कि प्रोटीन तो हमारे यूरिन में है ही है लेकिन लिपिड यूरिया भी हमारे पास शो हो रहा है. और इधर दूसरा केस है हमारे पास एडिमा.
एडिमा भी जो है वो हमारे पास होता है. हम एडिमा, एडिमा ज़्यादातर अगर हम देखें ना तो इस केस में एडिमा फेस के अराउंड होता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होता है ज़्यादा, सबसे पहले साइन वहाँ पे शो होता है. और इसकी मेन कॉज ये होती है, जो फेस के पास हमारे पास एडिमा होता है उसकी मेन कॉज होती है कि जो आपकी आइज़ के अराउंड स्किन है वो बहुत लूजली अटैच होती है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन अराउंड आइज़ शो होते हैं. प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया के अब हम इस पेज पे हम डिस्कस करेंगे कि हर जो साइन हमारे पास आता है इसकी वजह क्या होती है, फाइनली वो क्यों होता है. प्रोटीन यूरिया क्यों हो रहा है? ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डैमेज टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर. जो ग्लोमेरुलस में हमारे पास फिल्ट्रेशन बैरियर है, होप सो आपने फिजियो में पढ़ा होगा, तो